भूमि ट्रस्ट को लेकर कल अयोध्या में बड़ी बैठक। बैठक में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर फैसला हो सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर कल अयोध्या में बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर एक फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूमि पूजन के लिए ट्रस्ट ने पीएम को न्योता भी दिया है। लखनऊ में सीएम योगी राम मंदिर को लेकर इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक राम जन्मभूमि ट्रस्ट की होने वाली है और इस बीच लखनऊ से खबर आ रही है कि एक बैठक इस वक्त योगी आदित्यनाथ इस मसले को लेकर कर रहे हैं। हम सीधा आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खुर्रम, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उससे पहले आज जो बैठक हो रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं, आज क्या चर्चा हो रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो राम मंदिर का जो भव्य राम मंदिर बनना है उसको लेकर तमाम तरीके के चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, उसमें एक ये भी शामिल नितिन मिश्रा, जिनके पर पूरा जिम्मेदारी है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन को लेकर के, वो अकेले नहीं पहुंचे, तीन दिन रहेंगे, आज पहुंचे हैं, कल रहेंगे और परसों रहेंगे, इन तीन दिन वहाँ रहेंगे मौजूद, उसको लेकर यहाँ सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं और उस बात का जायजा ले रहे हैं कि वहाँ की चीज़ें किस तरीके से बेहतर हो। लेकिन जो नितिन मिश्रा का जो टूर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये तय होगा कि वो इंजीनियरों के साथ जा रहे हैं, काफ़ी बड़े इंजीनियर्स उनके साथ मौजूद हैं जो ये देखेंगे और समझेंगे किस तरीके वहाँ कंस्ट्रक्शन कराना है। एक तैयारी पहले चल रही थी, लेकिन अब जो तैयारी चल रही है वो तैयारी होगी किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, लिहाजा इंजीनियर्स के साथ पहुँचे हैं। ज़्यादा सीएम योगी की बात है, सीएम योगी लगातार अयोध्या तरफ देखते आए, अयोध्या उनके लिए बहुत ही अहम जगह रखता है क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले उन्होंने साफ कहा था, इस चुनाव से पहले उन्होंने साफ कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, अगर नहीं बन पाती बीजेपी सरकार तो अगर अपोजिशन की बनेगी तो मैं उनके मुख्यमंत्री कहूंगा आप चलिए अयोध्या के मंदिर का निर्माण पूरा करिए। तो जाहिर सी बात है वो खुद मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लिहाजा हर बैठक हो रही है, वो लगातार इस बात का स्टॉक ले रहे हैं कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं, किस तरीके कंस्ट्रक्शन को और बेहतर किया जा सके, क्योंकि अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद उनके जो गुरु थे महंत आदित्यनाथ, वो खुद जुड़े हुए थे इस पूरी मुहिम से, जो पूरी कार सेवा हुई थी और राम टेम्पल को लेकर जो तमाम बातें हुई थी वो जुड़े हुए थे इससे, तो उन्हीं की प्रेरणा लेकर के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं और ये अपना का वो उनका ये कहना कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तब ये फैसला आया और अब मेरे ही कार्यकाल में मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। तो जाहिर बात है योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि 2022 से पहले, क्योंकि 2022 में उनका टर्म खत्म हो रहा है, उसके बाद चुनाव होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं कि 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ये निर्माण कार्य पूरा हो। इन सबके बीच जो कल की बैठक है वो कितनी अहम रहने वाली है, क्योंकि खासतौर से भूमि पूजन की तारीख को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। किस तरह के प्रस्ताव अभी तक आ रहे हैं साधु संतों की ओर से? देखिए, जब पहली बार ये होता कि उनको आना था, प्रधानमंत्री जी को आना था अयोध्या भूमि पूजन के लिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो आ नहीं पाए, जो तनाव चल रहा था जो चीन से लेकर, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नहीं आ पाए थे। अब पीएम मोदी की हमेशा तमन्ना रही। देखिए, खास बात है कि पीएम मोदी अयोध्या कभी राम टेम्पल जो था फैसला आने से पहले वहाँ कभी नहीं गए थे, तो सवाल उठता था। अब बात हो रही कि भूमि पूजन कब होगी, उसकी तारीख कल तय हो जानी चाहिए, क्योंकि कल बड़ी बैठक है, तारीख तय होगी, क्योंकि जब पहली बार टली थी तो तभी मान लिया था कि सावन के बाद ही अब आ पाएंगे, क्योंकि जो मुहूर्त निकलेगा वो सावन के बाद का निकलेगा। तो अब सावन खत्म होने वाला है, अगले महीने के फर्स्ट वीक में खत्म हो रहा है सावन, तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बन सकता है, वो डेट मिल सकती है। लेकिन अभी तक के ऑफिशियली या अनऑफिशियली पीएम ऑफिस या फिर पीएम रेसिडेंस से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, हालांकि उनको न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक की वहां से कंफर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियली। कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इसीलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो बैठक कल होने वाली है उस पर लगातार निगाहें हमारी बनी हुई है और उसे लेकर दर्शकों को अपडेट भी हम करते रहेंगे। इस बीच सीधे अबुल के पास चलते हैं, अयोध्या से अबुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबुल, अयोध्या की नगरी में क्या माहौल है, क्योंकि बैठकों का दौर देखिए लखनऊ में चल रहा है, लेकिन अयोध्या में जाहिर है कि सुगबुगाहट और उत्साह जो है वो बढ़ रहा होगा। वहां दर्शकों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो। अब कल जब एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, अयोध्या से किस तरह की सुगबुगाहट की खबरें? देखिए, कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल की जो बैठक है उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वहां मौजूद होंगे और भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष और चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि कल की बैठक में भूमि पूजन की तारीख तय हो जाएगी,
क्योंकि अगर मैं बताऊं क्यों राम मंदिर का निर्माण कार्य सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन की तारीख न तय होने की वजह से अभी रुका हुआ है। सरकार भी चाहती है, साधु संत भी चाहते हैं और ट्रस्ट भी चाहता है कि बहुत जल्द राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि 2022 से पहले कम से कम इतना हो जाए कि गर्भगृह की का निर्माण पूरा हो जाए, एक मंजिल का काम हो जाए और 2022 के पहले चुनाव में जाने से पहले सरकार चाहती है कि राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों के लिए खुल जाए और वहां गर्भगृह तैयार हो जाए। ऐसे में चूंकि कोरोना बीच में आ गया, कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान कहीं ना कहीं भूमि पूजन की तारीख डिले होती रही, लेकिन अब ट्रस्ट चाहता है कि ये तारीख बहुत जल्द तय हो जाए और कल इस बात का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, तो कल की बैठक के लिए अयोध्या में और क्या तैयारियां हैं इसका भी मैं हाल आपसे जानूंगी। अब्बुल आप बने रहिएगा हमारे साथ और खुर्रम आप भी हमारे साथ रहिएगा।